हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन है देखिए, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स ओवर द लिमिट 0 टू पाई बाय 2। ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2019 में, यानी पिछले साल जो पिछले टर्म के जेई के एग्जाम हुए थे अप्रैल और जनवरी में, उनके उसमें से एक क्वेश्चन आया था। अभी यहाँ पे देखिए कि साइन क्यूब जो फॉर्मेट हमें दिया है कि 0 टू पाई बाय 2 साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसमें हम देखें तो हम यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉपर्टी है जो डिफाइनेट इंटीग्रेशन वाली, वो तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा देखिए, इसे हम आई कहेंगे इसका फर्स्ट इक्वेशन। जब हम इस पर प्रॉपर्टी लगा लेंगे, प्रॉपर्टी क्या है देखिए कि 0 टू a एफ एक्स डी एक्स होगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी हम लगा लेंगे तो हम क्या मिलेगा हमें, 0 टू पाई बाई 2। अभी साइन क्यूब यानी यहाँ पे साइन एक्स है, तो साइन ऑफ ए की जगह पे हमारे पास क्या है, पाई बाई टू है, तो क्या मिलेगा हमें, पाई बाई टू माइनस एक्स, और हमें साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या मिलता है, कॉस एक्स मिलता है, और यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट का क्यूब है इसीलिए इसका भी क्यूब बन जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। के लिए देखिए साइन का क्या बनता है, हम अभी देखा हमने साइन होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स लिख सकते हैं डायरेक्टली, कॉस एक्स बन गया यहाँ पे, और कॉस एक्स का लिखिए कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स बन जाएगा इसके लिए भी, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, ये साइन ऑफ कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स चेंजेस टू साइन एक्स, ओके, तो ये साइन एक्स बन गए डी एक्स, ये वाला इक्वेशन सेकंड बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम ये दो इक्वेशन है इनके हम क्या करेंगे, एडिशन करवा देंगे, तो क्या बनेगा, 2i इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिमिट जो है तो लिमिट दोनों सेम है और वेरिएबल भी सेम है, इसीलिए हम इंटीग्रेशन एक ही फॉर्म में कर देंगे 0 टू पाई बाई 2। और यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिए, दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम है इसलिए खाली न्यूमरेटर की एडिशन हो जाएगी, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, इस तरह से मिल गया हमें। तो आगे देखिए इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर में देखा तो हमें क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस फॉर्मेट में हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ए प्लस बी इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास, तो इस ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगा लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन क्यूब। के लिए इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फर्स्ट ब्रैकेट एंड अनदर ब्रैकेट में दूसरा जो ब्रैकेट है उसमें क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ पे dx बन जाएगा, ठीक है, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2। अब यहाँ पे देखिए जो sin x cos x है, यहाँ से ये वाला फॉर्म कट जाएगा तो हमें यहाँ पे बचेगा कितना, sin स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट में ये वाला जो टर्म है sin स्क्वायर और cos स्क्वायर, ये वाला जो टर्म है तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इसका वन बन जाता है, तो हमें क्या मिलेगा, वन माइनस
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये बच गया, डिनोमिनेटर तो कट गया, तो यहाँ पे dx बच गया खाली, तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। अब थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट करवा देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 जैसा है वैसे ही रहने देंगे, माइनस साइन के लिए क्या लिख सकते, यहाँ पे क्या लिख सकते देखिए, कि जब 2 के एडजस्टमेंट करवा देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स यानी क्या मिलता है हमें, साइन ऑफ 2x मिल जाता है, राइट है, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं वैसे ही साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 dx, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ से इसका जब हम इंटीग्रेशन, अब तो इंटीग्रेशन हम इसका कर सकते हैं इजीली, बिकॉज ऑफ ये वाला मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में था और सेम फंक्शन था, इसलिए हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे। अब देखिए हमारे पास क्या मिला, 2i इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा x, और इसका क्या बनेगा देखिए, ये हाफ है जैसा है वैसा ही रह जाएगा, और साइन का इंटीग्रेशन कॉस बनता है, वो भी माइनस वाला कॉस इंटू माइनस ऑफ कॉस 2x, और 2 के लिए हम डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिमिट 0 टू पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे अपर लिमिट रख देंगे तो क्या मिलेगा, पाई बाई 2 रखेंगे तो यहाँ पे पाई बाई 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, 2 इंटू 2 4 बन गया, कॉस ऑफ 2x इंटू पाई बाई 2, यानी 2 इंटू पाई बाई 2 कितना बन जाएगा हमारे पास, पाई बन जाएगा, माइनस ऑफ यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 बन जाएगा, ठीक है, और ये वाला टर्म क्या बन जाएगा हमारे पास, 0 प्लस 1/4 कॉस ऑफ 0 आ जाएगा, यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, कॉस पाई बाई यानी कॉस पाई यानी माइनस 1 आ जाता है, तो ये वाली टर्म माइनस बन जाएगी, तो यहाँ पे माइनस 1/4 बन गया, यहाँ पे ये वाला 0 है तो 0 बन गया, और यहाँ पे माइनस अप्लाई करेंगे तो प्लस का माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस बन गया 1/4, और कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास 1 आती है, इसीलिए ये 1/4 ही बन जाएगा, ये 2i की वैल्यू मिल गई हमारे पास, तो 2i यानी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 कितना बन जाएगा हमारे पास, 2π/4, क्या बन गया, 2π/4, और 2π/4 यानी 1/2 बन गया, ठीक है, तो ये वाला 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कि फाइनल आंसर क्या बनेगा, ये 2 वाला टर्म यहाँ पे ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1/4, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आंसर कौन सा है, क्या आ गया हमारे पास, पाई बाई 4 माइनस 1/4, पाई बाई 4 माइनस 1/4 ये वाला ऑप्शन है, ठीक है।